जहां इजराइल के सब्र की कहानी बेपर्दा हो गई है, क्योंकि अभी तक इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया, वो ईरान को तारीख पर तारीख दे रहा है। क्या युद्ध की इस घड़ी में इजराइल जिस धैर्य का परिचय दे रहा है, उसके पीछे किसी बड़े हमले की प्लानिंग हो रही है? ईरान के लिए इजराइल की इसी टाइम मशीन का अब जिक्र हो रहा है। इस खबर को इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने इस बड़े बयान के तौर पर आप समझ सकते हैं कि इस बयान बड़े बयान के तौर पर आप समझ सकते हैं नेतन्याहू ने ईरान को फिर से चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान ने उनके घर पर हमला किया है, इसलिए उन्हें इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। साथ ही नेतन्याहू ने ईरान के मिसाइल हमलों का भी जिक्र करते हुए कहा कि ईरान ने इसराइल पर 2 बार 300 मिसाइलें दागी हैं, इसलिए ईरान को अंजाम भुगतना होगा। इस बीच ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर का भी जवाब सामने आया है और इसराइल को टारगेट करते हुए ये कहा गया है कि थर्ड सिस्टम भी इसराइल को नहीं बचा पाएगा, ईरान इसराइल को हरा कर रहेगा, ये ईरान का कहना है। लेकिन नजरें इसराइल पर हैं, 600 रॉकेट्स का हिसाब ईरान से वो कैसे निकालेगा, कैसे चुकाएगा ईरान इसको, ये देखने वाली बात। अब इसराइल और लेबनान के बीच बैटल ग्राउंड में पिछले 24 घंटे के अंदर कई बड़े अपडेट्स भी सामने आए। पिछले 24 घंटों में लेबनान की ओर से इसराइल की सीमा की ओर 85 प्रोजेक्टाइल्स दागे गए हैं। प्रोजेक्टाइल्स वो होता है जो जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट्स होते हैं, जो जमीन से आसमान में जाते हैं और फिर वापस जमीन में आकर टारगेट को भेदते हैं। पिछले 24 घंटे में दक्षिण और उत्तर इसराइल में 5 UAV अटैक्स नाकाम किए गए। इतना ही नहीं, लेबनान के खिलाफ ऑपरेशन में लगे इसराइल को इस बीच नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेबनान में ऑपरेशन के दौरान 22 इसराइली जवान जख्मी भी हुए हैं। लेबनान के अलमनारा में IDF ट्रूप्स पर रॉकेट से अटैक किया गया। इन सब के बीच इसराइली जेट विमानों ने अल बेका के ऊपर साउंड बैरियर तोड़ डाला। अल बेका इलाका जो है वो लेबनान में आता है। इसराइल ने हिजबुल्ला के कमांड और कंट्रोल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया है। दक्षिणी लेबनान के टाइगर में साउथ फ्रंट यूनिट के मुख्यालय पर अटैक किया गया है और ये इसराइल की IDF ने किया है। इसके अलावा इसराइली सेना IDF ने हिजबुल्ला के 1500 सदस्यों को मार गिराने का दावा भी किया है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा अपडेट यह है कि हिजबुल्ला के कार्यकारी परिषद के चीफ हाशिम सफीउद्दीन की मौत की बात हिजबुल्ला ने मान ली है। हाशिम सफीउद्दीन के बारे में कहा जा रहा था कि वो हिजबुल्ला के अगले चीफ हो सकते हैं, लेकिन उसे इसराइल ने पहले ही मार दिया था। ईरान के विपक्षी संगठन के हवाले से एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। खबर यह है कि ईरान के परमाणु प्लांट के नजदीक भयानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग खराज शहर के परमाणु प्लांट के पास लगी है। इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि कैसे काले धुएं से विशाल गुबार ने पूरे इलाके को घेर लिया। आपको बता दें कि वॉर जोन से लगातार इस बात की खबरें सामने आ रही हैं कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बीच इस वीडियो का आना किसी साजिश की ओर इशारा जरूर कर रहा है। चलिए वॉर जोन से ही जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं कि हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला के उत्तराधिकारी हाशिम सैफीउद्दीन की मौत को आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। हिजबुल्ला ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। खुद हिजबुल्ला ने अब इस खबर पर मुहर लगा दी है कि इसराइल के हमलों में हाशिम सैफीउद्दीन मारा गया। हाशिम सैफीउद्दीन हिजबुल्ला की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख था। वो एक्चुअली तीन अक्टूबर से लापता था और उस वक्त एक बहुत बड़ा हमला हुआ था और कहा जा रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी क्या सैफीउद्दीन वहां मारा गया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। हाशिम के लापता होने की खबर उस स्ट्राइक से कुछ दिन बाद आई थी, जब इसराइल की सेना ने लेबनान के दहिया में हिजबुल्ला के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर हमला किया था। इस हमले में नसरल्ला समेत हिजबुल्ला के कई बड़े नेता और कमांडर्स मारे गए थे। और अब यह खबर पुख्ता हो गई है कि हाशिम सैफीउद्दीन हसन नसरल्ला के मारे जाने से पहले ही मर गया है, वो भी मारा गया है।
हिजबुल्ला इसराइल के झटके से उबरने की कोशिश करता है, तभी नेतन्याहू एक ऐसा धमाका करते हैं जिससे हिजबुल्ला का कुनबा फिर से बिखर जाता है। अब की बार नेतन्याहू की फोर्स ने उस शख्स को मार गिराया है जो नसरल्ला के बाद हिजबुल्ला की कमान संभालने वाला था। मारा गया हाशिम सैफुद्दीन। हाशिम 3 अक्टूबर से लापता था जब इजरायली बलों ने लेबनान के दहिये में हिजबुल्ला के खुफिया मुख्यालय पर हवाई हमले किए थे। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला समेत हिजबुल्ला के कई शीर्ष नेताओं और कमांडरों को मार डाला। इजरायली सेना का कहना है कि बेरूत में 3 हफ्ते पहले हवाई हमले में सैफुद्दीन को मार गिराया गया था, लेकिन इजरायल के इस बयान पर हिजबुल्ला ने पुष्टि नहीं की थी। लेकिन विदेशी मीडिया ने अब यह दावा किया है कि हाशिम सैफुद्दीन की मौत की पुष्टि हिजबुल्ला ने भी कर दी है। नसरल्ला को मौत के घाट उतारने के बाद से ही इजरायल का टारगेट नंबर 1 था हाशिम सैफुद्दीन। इजरायल हाशिम सैफुद्दीन को खत्म कर चुका है और अब खबरें हैं कि हाशिम की गद्दी नईम कासिम संभाल सकता है। हिजबुल्ला पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के बाद आईडीएफ चुन चुन कर दुश्मनों को ठिकाने लगा रही है। ऐसे में सवाल है कि कुर्सी संभालने के बाद कब तक बची रहेगी नईम कासिम की जान। कौन है नईम कासिम? सबसे पहले जानिए कि शेख नईम कासिम कौन है। कासिम शिया लेबनानी मौलवी है। कासिम हिजबुल्ला में दूसरे नंबर का नेता है। उसके पास हिजबुल्ला में डिप्टी चीफ का पद है। दक्षिणी लेबनान के कफर फिला में जन्मा नईम कासिम 1982 में हिजबुल्ला के संस्थापक सदस्यों में से एक था। कासिम ने 1992 से हिजबुल्ला के दूसरे नंबर के कमांडर के तौर पर काम किया है और अब उसके हिजबुल्ला चीफ बनने की खबरें सामने आ रही है। एक तरफ इजराइल के बंकर बस्टर बम हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप के साथ उसके कमांडरों को खत्म कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आईडीएफ के सोल्जर हिजबुल्ला की मांद यानी सुरंग में घुसकर उसे नष्ट कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। इजरायली सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को देखिए। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्ला की सुरंग लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर थी। इस सुरंग को आईडीएफ ने नष्ट कर दिया है। आईडीएफ ने यह भी दावा किया है कि सुरंग का कुछ महीने पहले पता चला था, लेकिन पिछले हफ्ते शुरू किए गए जमीनी अभियान के दौरान इसे नष्ट कर दिया गया। दावा यह भी किया गया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को हथियार, बम और एंटी टैंक मिसाइलें मिली हैं। הערב ניתן לאשר כי בתקיפה האווירית שביצענו אתמול בצהריים פגענו והשמדנו עשרות מפקדות תת-קרקעיות של חזית הדרום של חיזבאללה ובהן היו המפקדים שמנהלים את הלחימה נגד ישראל בדרום. הם היו גם אחראים על מימוש תוכנית כיבוש הגליל. ऐसे हुई थी कासिम की हिजबुल्ला में एंट्री। हाशिम सैफुद्दीन के बाद जिस शेख नईम कासिम के नाम की चर्चा हिजबुल्ला चीफ बनने के लिए हो रही है वो हिजबुल्ला का प्रवक्ता भी रह चुका है। 2004 में उसने हिजबुल्ला का इतिहास पब्लिश करवाया था। 2 साल बाद इसे अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में ट्रांसलेट करवाया गया। अब वहीं पश्चिम एशिया में हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही देशों के पास मिसाइलों का ऐसा जखीरा है तो पल भर में तबाही भी ला सकता है। जेरिको मिसाइल तैयार। सीजिल मिसाइल से होगा प्रहार। We'll be right back.
गैब्रियल मिसाइल लाएगी तबाही। खैबर मिसाइल करेगी प्रचंड वार। जंग के मैदान में वार पलटवार के लिए एक से बढ़कर एक मिसाइलें तैयार हैं। युद्ध हुआ तो इजराइल और ईरान की तरफ से ऐसी विध्वंसक मिसाइलें चलने वाली हैं जिन्हें वॉर जोन में सर्वनाश के हथियार का तमगा हासिल है। इन मिसाइलों की ताकत इस कदर है कि अगर इनका इस्तेमाल किया गया तो तबाही लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें जिनकी रेंज अलग अलग है, तो इजराइल भी कम नहीं है। उसके पास भी मिसाइलों का जखीरा है और उस जखीरे में नायाब अस्त्र है जेरिको 3, जिसकी रेंज उसे बेहद ताकतवर और मारक बनाती है। अगर सटीक हमले का जिक्र करें तो ईरान की मिसाइलों की क्षमता जबरदस्त है क्योंकि उनके पास एडवांस गाइडेड सिस्टम है, जबकि इजराइल के पास कई लेयर की हवाई सुरक्षा प्रणाली है। इजराइल के पास जेरिको 3 है, इसकी रेंज 11,500 किलोमीटर तक है, तो ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइल सिजिल है जिसकी रेंज 2500 से 4000 किलोमीटर है। इजराइल के पास जेरिको 2 है जिसकी रेंज 1500 से 3000 किलोमीटर है। ईरान के पास खैबर है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी ताकत के मामले में कोई किसी से कम नहीं है। اسلام ایران خواهان تنش افزایش تنش نیست، خواهان جنگ نیست. اگرچه ما از جنگ نمی ترسیم، همه جور آمادگی کامل داریم. اگر می خواهند اراده ما رو امتحان بکنند، همونطور که اینجا عرض کردم، می تونن این کار رو انجام بدن. میسایلوں کے معاملے میں ہی اگر اسرائیل اور ایران کی شکتی کا ذکر کریں تو اسرائیل کے پاس جیریکو 1 ہے جس کی رینج 500 کلومیٹر ہے، ایران کے پاس خرم شہر ہے جس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے، इजराइल के पास गैब्रियल है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, ईरान के पास शहाब 3 है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, इजराइल के पास लोरा है जिसकी रेंज 280 किलोमीटर है, ईरान के पास इमाद 1 है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। शवतम रहीतम ता התקפות שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. ההתקפות האלה היו אגרסיביות, אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות. וכמו שעשינו עד עכשיו במלחמה בכל הגזרות האחרות, מי שתוקף אותנו. דונו דשון כפס, מסיילון כאי זכירה כאי דשון כו צ'וקנה ואלה. כיוקי לונג, מידיום אור שורט רנג' כי איסי מסיילן דונו דשון כפס, ג'ו כבי בי כסי ביבקת תבאי מצ'נה כו תייר. इजराइल के पास जेलीलाह है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है, ईरान के पास गदर 110 है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, इजराइल के पास हारपून है जिसकी रेंज 240 किलोमीटर है, ईरान के पास कासिम है जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, इजराइल के पास एक्स्ट्रा है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, ईरान के पास पत्ता है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। سیاست ما سیاست جنگ و ادامه تنش نیست، اگرچه برای اون آمادگی داریم. سیاست ما توقف درگیری ها هست و رسیدن به یک آتشبس عادلانه که مورد توافق، مورد قبول و پذیرش مقاومت باشه. यानी ईरान और इजराइल के बीच जंग अगर बढ़ी
तो पश्चिम एशिया में भयानक अग्नेयास्त्र बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं।